दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ से होने वाले फायदों के बारे में। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। इसे ना केवल धर्म से जोड़ा जाता है बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी इसे बहुत फायदेमंद माना गया है। तो चलिए जानते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। सांस से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या में पीपल का पेड़ बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए पीपल के छाल के अंदर के हिस्से को निकालकर सुखा लें। सूखे हुए हिस्से का पाउडर बनाकर खाने से सांस से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके पत्तों को दूध में उबालकर पीने से अस्थमा भी ठीक हो जाता है। पीपल के पत्तों का इस्तेमाल कब्ज और गैस के इलाज में भी किया जाता है। इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर सुबह और शाम पीने से पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पीपल के दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों की दर्द की समस्या भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीसकर मंजन बना लें। इसका इस्तेमाल करने से दांतों से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। किसी जहरीले कीड़े या जानवर के काट लेने पर अगर डॉक्टर ना मिले तो मरीज को थोड़ी थोड़ी देर में पीपल के पत्तों का रस पिलाएं। इससे जहर का असर कम होने लगेगा। स्किन पर होने वाली प्रॉब्लम जैसे दांत, खाज, खुजली में पीपल के कोमल पत्तों को खाने से या फिर इसका काढ़ा बनाकर पीने से लाभ मिलता है। इसके अलावा फोड़े फुंसी होने पर भी पीपल की छाल को घिसकर लगाने से फायदा मिलता है। यदि शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाए तो उस पर पीपल के पत्तों का गर्म पेस्ट लगा लें। इससे घाव जल्दी सूख जाएगा। सर्दी जुखाम में भी पीपल फायदेमंद होता है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री के साथ काढ़ा बनाकर पीने से लाभ मिलता है। इससे जुखाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारने के लिए भी पीपल के छाल का पेस्ट या इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्किन के रिंकल्स को भी कम करने में मदद करता है। पीपल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके कोमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर स्ट्रेस कम होता है और बढ़ती उम्र का असर भी कम दिखता है। एड़ियां फटने की समस्या में भी पीपल आपकी हेल्प करता है। फटी हुई एड़ियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकालकर लगाने से कुछ ही दिनों में फटी एड़ियां ठीक हो जाती है और साथ ही तलवे भी सॉफ्ट बन जाते हैं। इसी के साथ पीपल के फायदों पे बना हमारा यह स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।